अर्ज किया है, जिस काम से आप महान बन सकते हैं, एक अमीर इंसान बन सकते हैं, क्या वो काम आप चंद पैसों के लिए करेंगे? नहीं ना। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, रीडर्स बुक सब में आपका फिर से स्वागत है और हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक घटना का जिक्र करते हैं, कहते हैं कि 1995 में मैं सिंगापुर के अखबार में एक इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर टाइम पे आ गई। इंटरव्यू शुरू हो गया। हम एक बहुत ही बड़े से होटल के एक लॉबी में कॉफी पी रहे थे और मेरा जो सिंगापुर जाने का रीजन था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी उस रिपोर्टर ने मुझसे कहा, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। मैंने उसके कई राइट्स और लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित भी था। वो बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत ही साफ। तो मैंने उससे कहा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो लिखती हैं वह बहुत ही बढ़िया है। वैसे कौन सी चीजें हैं जो आपको आपके सपने को पाने से रोक रही हैं? उसने कहा कि मेरा काम जो है वो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया है, पर एक्चुअली होता कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अखबार में काम कर रही हूँ, कम से कम इससे मेरा खर्च तो चल ही जाता है। अब आपके पास कोई सुझाव है क्या इस बारे में? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल है। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है, वो एक स्कूल चलाता है जहाँ लोगों को बाई सेलिंग रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर में कई बहुत ही बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के लिए सेल ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूँ कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ी रूखी हो गई। वो कहने लगी कि मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, कि मुझे ये सब सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा? तो मैंने हाँ कहा। तो मैंने हाँ करके सिर हिलाया और फिर उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि सचमुच उसे स्कूल जाने के लिए कह रहा, कि सचमुच उसे स्कूल जाने के लिए कह रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि इसमें गलती क्या है, पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने शब्द वापस ले लेना चाहिए। उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया था शायद, और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैंने वो सुझाव दिया था और अब मुझे खुद ही बुरा लग रहा था। उसने कहा, मेरे पास लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, मैं सेल्समैन बनने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी, मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। अब वो अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी और इंटरव्यू खत्म हो चुका था और उसके बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वो नाराज थी। वहीं कॉफी टेबल पर एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी के द्वारा लिखे गए नोट्स को अपने दूसरे हाथ में रखा। मैंने उसे कहा कि क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स पर जानबूझकर इशारा किया, जिस पर उसने लिखा था, रॉबर्ट टी कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ पर बेस्ट सेलिंग राइटर लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट सेलिंग राइटर। तब उसे मेरी बात समझ में आई। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।